प्यारे साथियों, यदि आप भी आज है 28 मई के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका हिस्ट्री का, यहाँ पर देखिए मेरे पास हिस्ट्री का 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ गया है। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ये जो आपका हिस्ट्री का आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 100% ओरिजिनल पेपर है। आपको मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि यही प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में आएंगे, और साथ ही साथ मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, उस नंबर पर आपको PDF भी मिल जाएंगे, और उस नंबर से आपको PDF मिलेंगे। अगर आपको पेपर नहीं मैच कीजिएगा तो आप हमें ज़रूर बोलिएगा कि पेपर नहीं मैच किया गया था, लेकिन आपको मैं एक नंबर दे दूंगा आगे। चलिए फिलहाल देख लेते, यह हिस्ट्री का क्लास 12th का 100% ओरिजिनल पेपर है, यही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव का उत्तर क्या होगा, सब्जेक्टिव का उत्तर होगा, साथ ही साथ इस PDF को कैसे डाउनलोड करेंगे, सभी चीज़ को ध्यान से चर्चा करेंगे हम लोग इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि भाई मेरे आप जानते हैं आपको एक एक पेपर लाने के लिए मैं जो भी आपको इस चैनल पर अपलोड करता हूँ पेपर, 100% ओरिजिनल पेपर ही अपलोड करता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, यही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेंगे जो कि आज के एग्जाम में होने जा रहा है। यहाँ पर आप क्लियर देखिए, मेरे पास 100% ओरिजिनल पेपर है, आपको एक नंबर दे दूंगा, यही पेपर आज को आएंगे। अगर नहीं आएंगे पेपर तो आप हमें ज़रूर बोलिएगा उस नंबर पर कॉल करके कि आपका पेपर नहीं मैच किया था। आज के एग्जाम में ये पेपर देख कर जाइए, 100% ओरिजिनल पेपर है, यही आज के एग्जाम में रहने जा रहा है। तो प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं 1 घंटा 30 मिनट का समय वगैरह दिया जाएगा, जिसका भी साई कोड आपका 321 रहने जा रहा है, इसका पेज फुल मार्क आपका 50 मार्क आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो ये आपका हिस्ट्री का 100% ओरिजिनल पेपर है। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर मैं आपको सेक्शन ए में देखूँ तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखने को मिलेंगे, जिनमें से प्यारे साथियों 1 से लेकर 30 तक के ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 25 का ही आपको उत्तर बताना है, लेकिन मैं यहाँ पर 30 का उत्तर बता देने जा रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से मैं सभी प्रश्न का उत्तर सही उत्तर बता देने जा रहा हूँ, आपको सीधे नोट कर लेना है, और कुछ देर के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ होगा, नहीं तो आप एग्जाम में बैठ चुके होंगे, तो जल्दी से आपको उत्तर मैच कर सभी प्रश्न का सही से उत्तर टिक कर लेना है। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, महाजन पदों का उदय कब हुआ, तो इसका उत्तर लिखेंगे, एक नंबर प्रश्न का नोट कर लेंगे 6वीं शताब्दी में। 2 नंबर, बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र है, बिल्कुल घबराइए नहीं, सीधे देखिएगा यही प्रश्न पत्र, 100% मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं इस चैनल पर जो भी पेपर आपको लिए अपलोड करता हूँ ये आपका 100% ओरिजिनल चैनल है, यही पर आपका ओरिजिनल पेपर अपलोड होगा। इसी प्रकार से मैं आपको हर एक मंथ आपका हेल्प करते रहूँगा, इसलिए आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2 नंबर प्रश्न, अंतुरानी किया का संबंध किस धर्म से था, तो 2 नंबर प्रश्न का उत्तर बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा आपसे, गोतंत्रित्व व्यवस्था किस महाजन पद से थी, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे बाजी। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न की बिम्बस का संबंध किस वंश से था, इसका हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, हायंस वंश से। अगला 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, 100% यही पेपर आएंगे एग्जाम में, देखिए ना को, अगर ये पेपर नहीं आएंगे अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, अगर ये पेपर नहीं मिलेगा तो आपको अनसब्सक्राइब कर देना है। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा आपसे, 100% यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा आपसे, मगधा में नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएंगे बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन सी। 6 नंबर प्रश्न क्या कहा, इंडिका किसने लिखी, तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल नोट करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, मेघास्थानी। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा आपसे, किसने मौर्य वंश का स्थापना की, तो इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही, ऑप्शन सी अर्थात ही चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला 8 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे साथियों, आप यहीं पर भी देख सकते हैं मंथली एग्जाम का 12th का जून मंथली एग्जाम का, ये आपका हिस्ट्री का 100% ओरिजिनल पेपर है। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा आपसे, अशोक के अभिलेखा के प्रकाशन में लाने का श्रेय किसने दिया, तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कर लेंगे प्यारे साथियों बिल्कुल सही आपका हो जाएंगे, जेम्स प्रिंस पेट, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएंगे। 9वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, मौर्यकालीन के अहत के सीधे के हेतु धातु वे बने होते हैं, तो 9वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल 100% नोट करेंगे, चांदी। अगला प्रश्न क्या कह रहा आपसे, यहाँ पर देखिए मौर्यकालीन गिरी अभिलेखा कहाँ मिले, तो 10वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, बिहार में। अगला 11वां प्रश्न क्या कह रहा आपसे, यहाँ पर देखिए किस मौर्य शासक का यूनानियों के द्वारा अमांत्री घात कहा जाता है, तो इसका उत्तर नोट कर लेंगे बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएंगे, बिम्बर सर। अगला प्रश्न क्या कह रहा आपसे, फलिंगा युद्ध कब हुआ, तो 12वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे प्यारे साथियों, 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। मौर्य काल में आय की मुख्य
मुख्य स्रोत क्या था? आपका बिल्कुल सही 13 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, यह है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, मौर्य काल में सिक्के के पन्ने पर हेतु धातु के बने हैं थे, तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही ऑप्शन बी चांदी। प्यारे साथियों 100% ओरिजिनल पेपर है, एग्जाम देने से पहले देख कर जाएंगे, छाप कर आ जाएंगे पूरा। मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान कौन है, तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिए, 100% ओरिजिनल पेपर का ऑप्शन डी हो जाएंगे। 16 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, कलिंगा युद्ध का भीषमता उल्लेख का अशोक किसे अभिलेखा किया गया था? प्यारे साथियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार से आगे भी आपको पेपर दिया जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न को मैं जल्दी जल्दी से उत्तर करा देने जा रहा हूँ, धर्म के प्रसार के लिए किसने धर्म का महाशास्त्र का नाम पदाधिकारी नियुक्त की है? देखिए काफ़ी ज़्यादा तेज बोलना पड़ता है इसीलिए यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाता है, कोई बात नहीं, चलिए 17 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात कि अशोक। अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपने, मेघास्तिन ने मौर्य काल में किस नगर का प्रशासन वर्णन किया था? 18 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे पाटलिपुत्र का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 क्या कर रहा आपसे, यहाँ पर देखिए मेंडर में नागसेन में वार्तालाप का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ से मिलता है? तो 19 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा आपसे, यहाँ पर चलिए 20 नंबर प्रश्न का उत्तर चलते हैं और बाकी 10 प्रश्न से बता जल्दी जल्दी से आपको करा देने जा रहा है, अस्ताथिक की किसने लिखी थी? तो 20 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी सी हो जाएंगे, पानिनी ने। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, जून गद में अभिलेखा का किसने लिखवाया? तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर ए हो जाएंगे अर्थात कि चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, भारत में गथर काल में विकास के लिए किसे प्रमुख हुआ था? इसका उत्तर हो जाएंगे 22 नंबर प्रश्न का प्यारे साथी, और इसका उत्तर हो जाएंगे आपका सही नोट करेंगे, चलिए इसका प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, आगे मैं आपको बता देने आपको एक प्रश्न यहाँ पर छोड़ दिया हूँ। चलिए अगला प्रश्न प्यारे साथी, इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा तो मैं आपको आगे सिखा देने जा रहा हूँ। कनिका संरचना का चौथी बोध संगीत कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर नोट करेंगे 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएंगे अर्थात की कुंडलवान में। अगला 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, दंड के मौर्य समाज के अश्रफ के लिए किससे उदय था? तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर चलते 26 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, भूमि अनुदान का प्रथा किस काल से आरंभ है? तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे प्यारे साथियों बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन सी होंगे। चलिए 26 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखिए सत्यवहन। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 27 नंबर प्रश्न क्या रहा आपसे, हाथी गुफा अभिलेखा का संबंध किस राजा से था? तो 27 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिए बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका उत्तर 27 नंबर प्रश्न का। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा आपसे प्यारे साथियों, सत्यवहन शक्ति के पुनस्थापन किसने किया? 28 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिए प्यारे साथियों बिल्कुल सही आपका सिमुख हो जाएंगे। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा आपसे, संगम साहित्य के रचनाकार किस भाषा से हुई? 29 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे बिल्कुल सही ऑप्शन ई हो जाएंगे, तमिल से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या क्या कह रहा आपसे, यहाँ पर देखिए 30 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं, 29 नंबर 28 हो चुका है, 29 हो चुका है। चलिए अगला 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा आपसे, सूती वस्त्र का उद्योग के लिए कौन सी प्रसिद्ध था? तो 30 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे प्यारे साथियों ऑप्शन हो जाएंगे ए। इसी प्रकार प्यारे साथियों मैं आपको जून मंथली एग्जाम का ओरिजिनल पेपर का मैंने आपको जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न था सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिए, तो यह बिल्कुल 100% आप ही देखिए यहाँ पर 100% आपका ओरिजिनल पेपर लग रहा है कि नहीं, यही आपका ओरिजिनल पेपर है। आप चलिए प्यारे साथियों बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो प्यारे साथियों आपको क्या करना है, एक नंबर नोट कर लेना है, इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं जल्दी से आपको पीडीएफ सेंड कर देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एक नंबर नोट कर लेना है, आपको एक नंबर नोट करना है यहाँ पर 9060063373, आपको इस नंबर पर अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करें ताकि मैं आपको जल्दी से इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो जल्दी से आपको पीडीएफ लेने के लिए अपना नाम अपना वर्ड हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे साथ, इसी प्रकार से आपको आगे मंथली एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलेगा। जल्दी में मिलता है आपके अगले वीडियो इसका सब्जेक्टिव का लेकर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा तब ही आपको नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप सब्जेक्टिव का उत्तर देख सकते हैं। ये क्लास टेंथ का हिस्ट्री का क्लास ट्वेल्थ का हिस्ट्री का 100% ओरिजिनल पेपर है, तो यही पेपर आपको आज के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी से आइए, पूरे प्रश्न का मैंने उत्तर बताया दिया, सभी का उत्तर आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी आपको सिखा दिया, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तमाम व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, वहीं से भी क्लिक कर आप इसका पेपर और उसके साथ साथ सभी का उत्तर डाउनलोड करते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।